गोलपारा के मोहक क्षेत्र में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि गोलपारा नाम ग्वालटिपिका में अपनी उत्पत्ति लेता है, जो प्राचीन शब्द है जो गुवाली गांव या दूध वाले यानी यादव गांव का संकेत करता है। आइए जानते हैं जनसांख्यिकीकरण की दिशा में जो गोलपारा का चित्र बनाते हैं। 2011 के भारतीय जनगणना के अनुसार गोलपारा ने कुल जनसंख्या 53,430, जिसमें 26,970 पुरुष और 26,460 महिलाएं थीं। गोलपारा कभी कोच राजाओं के शासनकाल में एक प्रदेश राज्य था, जो बाद में 1765 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। इस क्षेत्र का इतिहास सदियों पुराना है, जिसकी जड़ें कोच राजवंश के नियंत्रण में हैं। जिला को 1874 में ब्रिटिश शासन के तहत उत्तर पूर्व सीमा में सम्मिलित किया गया था। समय के साथ गोलपारा विकसित हुआ और ने धुबरी, कोकराजहार और बोंगाई गांव जैसे आधुनिक जिलों की उत्पत्ति की। कोच राजवंश 16वीं से 18वीं शताब्दी तक पूरे पूर्वोत्तर भारत के बहुत से हिस्सों पर शासन करने वाला शक्तिशाली राज्य था। यह वंश 1515 में कोच बिहारी राजा लक्ष्मी नारायण द्वारा स्थापित किया गया था। कोच राजाओं ने कला और संस्कृति के प्रति महान सराहना दी और उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिर और महल बनवाए। 1765 में कोच राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया। ब्रिटिश ने गोलपारा को उत्तर पूर्व सीमा में सम्मिलित किया, जो एक ऐसा क्षेत्र था जो मौजूदा राज्य असम, मेघालय और नागालैंड को शामिल करता था। 1947 में भारत ने ब्रिटिश से स्वतंत्रता प्राप्त की। गोलपारा ने स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद असम के नए स्वतंत्र राज्य का एक जिला बन गया। 1983 में गोलपारा से दो जिले बाहर किए गए, धुबरी और कोकराजहार। 1989 में एक और जिला को गोलपारा से अलग कर लिया गया, बोंगाई गांव। आज गोलपारा असम का एक जिला है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। यह जिला विभिन्न जातियों के विविध समूहों का घर है, जिनमें असमी, बंगाली और कोच राजवंशी शामिल है। गोलपारा एक मुख्य कृषि जिला है और इसकी अर्थव्यवस्था चाय उत्पादन और पर्यटन पर भी आधारित है। हमारा सफर हमें गोलपारा की छुपी हुई मनमोहक जगहों में ले जाता है। एसरी सूर्या पहाड़ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के पुरातन रहस्यों को खोलता है। ददान हिल में एक शिव मंदिर है जो इतिहास के साथ गूंजता है। पीर मजहार, एक पवित्र मकबरा, हजरत सैयद अबुल कासिम खारासानी को श्रद्धांजलि देता है। एसरी तुकरेस्वारी हिल, पगलातेक बाबा और उरपोट बील भी गोलपारा की कहानी में अपने अनूठे अध्याय जोड़ते हैं। पहले भारत के सबसे पिछड़े जिलों में सूचीबद्ध होने वाले यह अब पीछे क्षेत्र अनुदान कोष प्रोग्राम BRGF के माध्यम से फलित हो रहा है। इस पहल का उद्देश्य असम के 10 सहोदी जिलों के साथ मिलकर विकास को संजीवनी देना है, जो मदद की आवश्यकता रखते हैं। आइए कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्वों से मिलते हैं जिन्होंने गोलपारा की आलिंगन में जन्म लिया। 1. अब्बास उद्दीन अहमद ब्रिटिश भारत से एक प्रसिद्ध बंगाली लोकगीत संगीतकार और गायक थे। उन्हें उनके योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ जाना जाता है, जो भावैया लोकगीत शैली में दिया गया था, जो रंगपुर, अखंड गोलपारा जिला और कूच बिहार में उपस्थित है। तूफानगंज, कूच बिहार जिला, अब भारत में अब्बास उद्दीन अहमद के पिता वकील थे। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान उत्तरी बंगाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अपनी संगीत रुचि प्राप्त की और कोलकाता में उस्ताद जमीरुद्दीन खान से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनकी शुरुआत HMV स्टूडियो में मॉडर्न बंगला गाने वाले गायन से हुई। फिर उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर और इस्लामी गीत बनाने और प्रदर्शन करने के लिए काम किया। उन्होंने भारतीय मुसलमानों को संगीत की परिचय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका विशाल संगीत संग्रह विभिन्न लोकगीतों को शामिल करता है। 2. अशराफुल मान्यता प्राप्त भारतीय अभिनेता थे, जिनके पास हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं की पहचान थी, जैसे तालाश, दिल्ली बेली और मैनजी द माउंटेन मैन। उन्होंने एक नेशनल स्कूल ऑन ऑफ ड्रामा की पढ़ाई की थी और विभिन्न फिल्मों में शामिल होते थे, जिनमें ब्लैक फ्राइडे, कंपनी, डीवर, फुकरे, जंगल और रावण शामिल थी। दुखद तौर पर उन्होंने 46 वर्ष की आयु में माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, एक दुर्लभ विकार, के उपचार के बाद अपने जीवन को खो दिया। 3. खांदकर मोहम्मद आदिल हुसैन, एक प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेता, ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में अपने पैरों के निशान छोड़े हैं।
उन्होंने द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट और लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्मों में अपनी विविध भूमिकाओं में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। होटल सल्वेशन और मजरती कैटेगरी में अपनी प्रदर्शनों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए। गोलपारा, असम में जन्मे खांदकर मोहम्मद आदिल हुसैन ने राष्ट्रीय स्कूल ऑन ऑफ ड्रामा से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद अपने कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी बहुभाषी क्षमता को अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, तमिल, मराठी, मलयालम, नॉर्वेजियन और फ्रेंच फिल्मों में दिखाया। साथ ही थिएटर मंच पर अपनी सफलता को दिखाया, प्रसिद्ध निर्देशकों के साथ सहयोग किया और विभिन्न भूमिकाओं में यादगार प्रदर्शनों किए। आदिल हुसैन का करियर एक अद्वितीय प्रतिभा और समर्पण के अद्वितीय मिश्रण का प्रदर्शन करता है, जिससे उन्हें आदर्श अभिनय की दुनिया में सम्मानित व्यक्ति बनाता है। 4. बिरुबाला राभा। 1954 में गोलपारा, असम में जन्मी एक भारतीय क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने दायर दंड की खात्म करने के लिए समर्पित है। उनके संगठन मिशन बिरुबाला इस हानिकारक प्रथा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाता है। 2021 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 5. जुगल किशोर चौधरी एक प्रमुख भारतीय वास्तुकार और नगर योजना करता थे, जिन्होंने अपने नवाचारी कंक्रीट वास्तुकला डिजाइन किए थे। गोलपारा, असम में जन्मे, उन्होंने मुंबई के सर जे जे स्कूल ऑन ऑफ आर्ट में अध्ययन किया और फिर इंग्लैंड में लंदन विश्वविद्यालय में और बाद में अंटोनिन रेमंड के साथ न्यूयॉर्क में काम किया। उन्होंने महत्वपूर्ण संरचनाओं के डिजाइन में योगदान दिया, जैसे कि 1950 के दशक में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के मुख्य कैंपस इमारतें और 1960 के दशक में आईआईटी दिल्ली की मुख्य इमारत और गणित विभाग की ऑडिटोरियम। गोलपारा, असम के इस चिरंगी यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमें यह दिलचस्प स्थलों और अद्वितीय किस्सों के चर्चन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।